नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। मैं पूनम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नीलांचल एक्सप्रेस में एक बह चुकाने वाला हादसा हुआ है। यहां पटरी पर बड़ा संबल ट्रेन की खिड़की तोड़ते हुए यात्री गर्दन में जा घुसा और सिर फाड़ते हुए निकल गया। यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। घटना डाबा सोमना स्टेशन के बीच हुई। हादसे के बाद कंपार्टमेंट में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। कुछ ही देर में कंपार्टमेंट का फर्श खून से लाल हो गया। इस बीच अन्य यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी, जीआरपी और आरपीएफ को बुलाया। शव को ट्रेन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेलवे के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले यात्री का नाम हरिकेश कुमार दुबे है। वह सुल्तानपुर के गोपीनाथपुर गांव के रहने वाले थे। गुरुवार को घर जाने के लिए दिल्ली से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे। ट्रेन अलीगढ़ के सामने पहुंचने वाली थी तभी यह घटना हुई। हरिकेश दिल्ली में मोबाइल टावर से जुड़ी कंपनी में टेक्नीशियन थे। वह ट्रेन के जनरल कोच में खिड़की किनारे बैठे हुए थे। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।